नेता प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से विशेषाधिकार है कि किसी भी वक्तव्य के दरमियान वो उठेंगे तो उनके पद की जो गरिमा है आसन उनको निश्चित रूप से समय देता है, लेकिन ग्रेट पावर कम्स टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नेता प्रतिपक्ष एक सामान्य विधायक के जैसे हर बात में उठकर अपनी बात को इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। मेरा आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से आग्रह होगा कि अपनी गरिमा जो उनके नेता प्रतिपक्ष होने की है वो तभी इंटरवेन करें जब चीजें बहुत गंभीर हों, बहुत महत्वपूर्ण हों। लेकिन ये वक्तव्यों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इन चार शब्दों को निकाल दीजिए तो इनके वक्तव्यों के सार खत्म हो जाएंगे। माननीय, यदि किसी दिन सदन ने संसदीय शब्दों की शब्दावली से इन चार शब्दों को निकाल दिया तो भाषण देने की जगह नहीं बचेगी। माननीय, तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जो निश्चित रूप से हमारे लिए भी सम्मानित हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इंटरवेन तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। बार बार अगर आप उठेंगे तो आप अपनी गरिमा के साथ खिलवाड़ करेंगे। बहुत धन्यवाद माननीय सर। बहुत अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय या सर मत दीजिए सर, रुकिए जी सर, सभापति महोदय रुकिए रुकिए थोड़ा बैठिए। ऐसा है महोदय, सुदीप जी बहुत ज्ञानी है, अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन बोलेंगे तो अपने ही पक्ष बोलेंगे। जब वो देश के किसानों के बारे में बोलेंगे, जब कहीं पे कोई घटना हो जाएगी तो मुसलमानों के बारे में बोलेंगे, और जब हम बहुसंख्यक की बात करेंगे, जब सब समाज को ले करके चलने की बात करेंगे, जब वो गलत बयानी करके आरएसएस और बीजेपी का तमगा लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो योजनाएं चली उसके ऊपर है, और जब हम दिखलाने की कोशिश करेंगे कि खोस मोहम्मद आरएसएस और बीजेपी का नहीं है, वो झारखंड का नागरिक है, भारत का राजनीति है, नागरिक है, तब आप उसमें नहीं देखेंगे। मेरा सुदीप जी माननीय सदस्य ये कहना है, चार साल तक तो आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी, बोलने नहीं दिया, आपने एक तरफा कार्रवाई चलाई जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि राम के हनुमान के राम जी लोग कहते हैं डायनेमिक लीडर, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इसलिए टोका टोकी जहां होता है वहीं हम लोग करते हैं, अपनी गरिमा का मुझे भी ख्याल है। आप समय लेकिन आप ये मैंने अगर कोई यदि बियॉन्ड जा करके बात करेगा तो मैं अपने इस अधिकार का प्रयोग करूंगा, और कोई मुझे निर्देशित करने का काम करेगा तो उसका निर्देशन मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीधे जो आसन है उसके प्रति जवाबदेह हूं, और कभी भी मेरे विवेक पर कोई दूसरा आकर के चढ़ाई करेगा या दूसरा उसको डिक्टेट करेगा ये भी आशा मत रखिए। दलित का बेटा जरूर हो लेकिन अपना ज्ञान अपने ज्ञान मुझे मालूम है। मात्र 5 मिनट बोले हैं, 10 मिनट ये लोग खा गया सर, हम क्या करें? बोलिए सर, आप बोलिए कि समय खत्म हो गया। समय खत्म हो गया, मैं कह रहा हूँ सर, देखिए सर हम क्या करें, थोड़ा सा आप साथी हैं सर, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा देख लीजिएगा हमको। हम ये कह रहे हैं सर, यहाँ 5 साल रघुवर दास की सरकार रही सर, एक से एक कारनामे सर, यहाँ का हमारा आदिवासी महोदय भात भात चिल्ला कर मर गया महोदय, इतिहास गवाह है। राज संतोषी महोदय चावल के कारण मर गई महोदय, बताइए। और आप क्या कर रहे थे, आप लोग इनके मंत्री क्या कर रहे थे महोदय? मुख्यमंत्री घूम रहे थे आपका अमेरिका में हवाई जहाज उड़ा, क्या झारखंड मोमेंटम के नाम पर महोदय हाथी उड़ा रहे? अभी नवीन जी बता रहे थे कि बैनर पोस्टर पेपर दिखा रहे थे महोदय, दिल्ली का कोई ऐसा राज्य जहां एयरपोर्ट में आप रघुवर दास का फोटो नहीं था, किसका पैसा था वो? पैसा कौन उड़ा रहा था? आप लोग उड़ा रहे थे महोदय, झारखंड के आदिवासियों का पैसा, मूल वासियों का पैसा अमेरिका में उड़ाया जा रहा था, जापान में उड़ाया जाता महोदय, नौकरी के नाम पर महोदय।